दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ कोरियन सुपरस्टार ली सोन क्योंग की हर एक न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसी ही एक और न्यूज़ कोरियन मीडिया की तरफ से रिलीज की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ली सोन क्योंग के डिसअपीयर होने से पहले वो एक लेटर अपने घर छोड़ गए थे, जो कि उनकी वाइफ को उनके जाने के बाद मिला। मैं आपको इस न्यूज के बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज मॉर्निंग में एक सैड न्यूज ने सभी कोरियन ड्रामा लवर्स को सैड कर दिया, जब उन्हें पता चला कि कोरियन हॉलीवुड स्टार ली सोन क्योंग अब हम सबके बीच नहीं रहे। जिसके बाद ग्लोबल फैंस लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ली सोन क्योंग के साथ क्या हुआ। तो कुछ टाइम पहले ही कोरियन मीडिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें बताया गया कि रात भर घर न आने के बाद ली सोन क्योंग की वाइफ ने उन्हें कॉल किया, साथ ही एजेंसी से उनके बारे में पता किया, तो पता चला कि वो रात को ही वहां से चले गए थे। जिसके बाद ली सोन क्योंग की वाइफ ने उनके सामान को चेक किया तो उसमें एक लेटर मिला। जिसके बाद मॉर्निंग 10:12 AM पर ली सोन क्योंग की वाइफ ने अपने हस्बैंड के मिसिंग होने की रिपोर्ट की। इस मिसिंग रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ने ली सोन क्योंग की कार को 10:30 AM के अराउंड फाउंड किया, जहां ली सोन क्योंग अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया और उनकी डेथ का रीजन कोल स्मोक का काफी ज्यादा इनहेल करना बताया गया। इन शॉर्ट, डॉक्टर्स ने इसे अटेम्प्ट टू सुसाइड केस बताया। जिसके बाद फैंस लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ली सोन क्योंग ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। रीजन जो भी हो, लेकिन ली सोन क्योंग के इतने बड़े डिसीजन को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं अगर उनकी फैमिली की बात करें तो ली सोन क्योंग की फैमिली में उनकी वाइफ और दो बेटे हैं, जिनके साथ वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे थे। वहीं इस न्यूज के बाद कुछ लोगों का कहना है कि वो इन दिनों काफी स्ट्रेस में थे, जिसका रीजन उनका ड्रग केस में नाम आना था। हालांकि अभी तक इस ड्रग केस का कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ली सोन क्योंग को ड्रग्स लेने की आदत लग गई थी और वो रेगुलर ड्रग्स लेते थे और उनकी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद अक्टूबर में उन्हें इस ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इस केस से रिलेटेड हर एक न्यूज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।